हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओसीडीसी दिस इज विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मेसे हेल्पर या फिर केटरिंग असिस्टेंट पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है सो so, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ दस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मेस हेल्पर और केटरिंग असिस्टेंट एग्जाम में हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर वन हमारा है सैनिटरी साइंस विच एम टू प्रोड्यूस फूड विच इज सेफ फॉर कंज्यूमर एंड गुड क्वालिटी इज नोन एज ऐसी कौन सी साइंस की ब्रांच है विज्ञान की ब्रांच है जिसके द्वारा ऐसा खाना प्रोड्यूस किया जाता है जो कंज्यूमर के लिए मतलब खाने वाले के लिए सेफ़ हो और उसकी अच्छी क्वालिटी हो तो उस साइंस को क्या कहते हैं ऑप्शन वन है फूड साइंस सेकेंड ऑप्शन है फूड हाइजीन थर्ड ऑप्शन इज पर्सनल हाइजीन फोर्थ ऑप्शन इज़ फूड क्वालिटी कंट्रोल तो आंसर आएगा फूड हाइजीन नंबर टू फूड हाइजीन एम्प्लाइज हाइजीन इन मतलब फूड हाइजीन से किस तरह के हाइजीन की बात की जाती है ऑप्शन वन है प्रोडक्शन हाइजीन सेकंड है हाइजीन ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ फूड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विंग ऑफ द फूड एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबब तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबब कि जो हाइजीन प्रोसेस है उसका ध्यान खाने के प्रोडक्शन के वक्त भी रखना होता है हैंडलिंग के दौरान भी और साथ ही खाने को डिस्ट्रीब्यूट या फिर सर्व करते हुए भी प्रॉपर हाइजीन की जरूरत होती है अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टैंडर्ड हैंड वॉशिंग टाइम इज जितना uh, कितना टाइम कम से कम हैंड वॉश करना चाहिए तो उसकी कितनी लिमिट है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तो ऑप्शन है ट्वेंटी मिनट्स टू मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड या फिर वन मिनट तो राइट right आंसर है ऑप्शन सी दैट इज ट्वेंटी सेकेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग, ओके तो क्लीनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है कौन सा रसायन यूज किया जाता है ऑप्शन है बैक्टीरिसाइड, डिटर्जेंट डिस एंड सैनिटाइजर या फिर ऑल दबब तो आंसर आएगा ऑल दब तो यहां पे जो बैक्टेरियाडल है ये वो रसायन होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज किए जाते हैं और एक होते बैक्टीरिया स्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं ओके okay? अब है क्वेश्चन नंबर पाँच केमिकल दैट रिड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अ सेफ लेवल इज नोन एज वाला रसायन जो सूक्ष्म जीवों को कम करता है बहुत ही सेफ लेवल तक कम करता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन आएगी बैक्टीरिस्टैटिक बैक्टीरियसाइडल या फिर स्टरलाइजर और डिटर्जेंट तो राइट right ऑप्शन यहां पे आएगी ऑप्शन बी दैट इज बैक्टीरी साइडल साइडल जैसे मैंने आप आपको बताया बैक्टीरियाडल मतलब बैक्टीरिया को मारने वाले रसायन क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्पॉयिस ऑर्गेनिजम्स इन द फूड कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय अप्लाइंग हीट एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि खाने के अंदर जो खाने को खराब करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीव होते हैं उनको इनएक्टिवेट करने के लिए उनको ख़त्म करने के लिए अगर हम हीट अप्लाई करें उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम तो उस प्रोसेस को उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ओके okay? तो ऑप्शन है फर्मेंटेशन स्टरलाइजेशन पास्चराइजेशन ऑटोक्लेबिंग तो ऑप्शन सी जो है उसका राइट right आंसर आएगा इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन जैसे हम दूध को घरों में उबालते हैं तो उसको पास्चराइज मिलकर हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज फूड प्रिजरवेटिव निम्नलिखित में से किस चीज़ को फूड को सुरक्षित रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है ओके okay. ऑप्शन है शुगर सॉल्ट विनेगर या फिर ऑल दबअब तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी कि जो शुगर है सॉल्ट है और विनेगर है हम इन तीनों को ही यूज़ कर सकते हैं भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्वेश्चन नंबर आठ विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी द साइन ऑफ फूड स्पॉयलेस मतलब किससे हमें पता चलता है कि हमारा जो फूड है वो खराब हो चुका है ऑप्शन वन है डिसकलरेशन कि उसके कलर का कुछ चेंज हो जाना या कलर ख़त्म हो जाना जो उसका नेचुरल कलर होता है फूड का या फिर अनयूजल टेस्ट आना ठीक है असाधारण टेस्ट आना उसमें से तो उसको वो भी हमारे लिए साइन होता है जिससे पता चलता है कि जो हमारा भोजन है वो खराब हो चुका है नेक्स्ट है ऑप्शन बी में मोल्ड ग्रोथ मोल्ड एक फंगस होती है ठीक है जिसको हम काई बोल सकते हैं तो उसकी ग्रोथ हो जाती है भोजन के ऊपर और ऑप्शन सी है हमारे पास ऑफ ऑर्डर कि जो उसकी फ्रेगरेंस की जगह पे उस पर स्मेल आने लगी लग है खाने से ठीक है एंड प्रोडक्शन ऑफ गैस या फिर ऑल ऑफ देस तो इसका राइट आंसर बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे सी को डार्क किया है लेकिन आंसर आएगा डी ये सभी साइन होते हैं जिससे पता चलता है जो खाना है वो खराब हो चुका है क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रिजर्व फूड निम्नलिखित में से किस मेथड को किस विधि को हम खाने को प्रिजर्व करने के लिए सुरक्षित करने के लिए यूज कर सकते हैं ऑप्शन वन है हाई टेम्परेचर पॉस्चराइजेशन एंड अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट ऑप्शन टू है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग ऑप्शन थ्री है डीहाइड्रेशन एंड केमिकल्स ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज तो राइट right आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज ओके हाई टेम्परेचर मतलब साठ डिग्री से ऊपर हम रख सकते हैं पास्चराइजेशन जैसे अभी बताया मैं बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पे किसी चीज़ को उबाल कर गर्म कर कर हम इसको स्टोर करते हैं तो उसको बोलते हैं पास्चराइजेशन लो टेम्परेचर के ऊपर किसी खाने की वस्तु को अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रायो क्रायोप्रजर्वेशन ओके क्रायो क्रायोप्रजर्वेशन होता है कोल्ड ट्रीटमेंट रेफ्रिजरेशन भी आपको पता ही है कि फ्रीजर के अंदर हम कुछ स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेशन बोलते हैं उसको ओके और फ्रीजिंग में हम माइनस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज करते हैं खाने को माइनस एटीन से माइनस ट्वेंटी फोर के ऊपर डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बिल्कुल मॉइस्चर को रिमूव करके खाने को स्टोर करना ओके और केमिकल हम कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड कोई अभी जैसे बताया था मैंने आपको कि बैक्टेरियाडल या फिर बैक्टेरिया स्टेटिक केमिकल का हम यूज़ कर सकते हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए क्वेश्चन नंबर टेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ एस एस ए आई स्टैंड फॉर तो इसके ऑप्शन है फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ऑप्शन सी इसका राइट right आंसर आएगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो खाने को प्रमाण पत्र देती है कि कौन सा खाना खाने योग्य है या नहीं है ठीक है तो मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट उतारना होता है खाने वाला तो उसका एफ एस एस ए आई से लाइसेंस्ड होना बड़ा जरूरी होता है ओके okay, सो so ये थे दस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर फॉर योर मेस हेल्पर एज़ वेल एज केटरिंग असिस्टेंट एग्जाम सो रोजाना ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग